कमान भाती घर है जा घर का लयबद्ध तरीके से अभ्यास लयबद्ध तरीके से जब अभ्यास करेंगे तो हमारे कोशिकाएं जागृत होंगी और जब कोशिकाएं जागृत होंगी जो कोशिकाएं मृत प्राय होने लगती हैं जिन कोशिकाओं में मरने जैसा भाव पैदा हो जाता है और हम जीवन जीते हुए भी मुरझाए से रहते हैं, घुटना दर्द से लेकर के कैंसर जैसे बीमारियों से परेशान होते हैं, तो ये कपालभाति का अभ्यास करने से हम तमाम प्रकार के बीमारियों को दूर कर लेंगे। जरूरत है केवल अभ्यास करने का। तो आइए, फागुन का महीना चल रहा है और फागुन के महीना में होली गीत के द्वारा हम कपालभाति के लय को उस लय से जोड़ने का प्रयास करेंगे और हम सब आंख बंद करके और प्रभु का स्मरण करते हुए कपालभाति का आनंद लेंगे। तो चलते हैं भजन मंडली की तरफ और हम लोग कपालभाति शुरू कर दे। Oh.
जी के पारा माया तुझे।